नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार से हमें अमीर बनने के किन किन रास्तों के बारे में बताया गया है और किन किन रास्तों को छोड़ देने से हमारे घर से दरिद्रता और गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और किन किन रास्तों पर चलने से हमारे घर में हमेशा के लिए दरिद्रता लगी रहती है। आज इन्हीं बिंदुओं पर हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से बिंदु हैं जिन पर चलने से, जिनका पालन करने से आप भी बन सकते हैं करोड़पति। तो चाणक्य नीति हमें जीवन जीने का कई तरीके बताते हैं। तो चाणक्य नीति के अनुसार से हमें जीवन जीने के कई सारे तरीकों के बारे में बताकर गए हैं। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने नीति के अनुसार से गद्दी पर बिठा दिया था, इसलिए चाणक्य नीति एक बहुत ही बड़ा नीति है। हमें इनके नीति को मान लेना चाहिए क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए इन सभी बातों को भी मानना अति आवश्यक है। चाणक्य एक परम ज्ञानी व्यक्ति थे जिन्होंने हमें अपने जीवन को सरल बनाने के लिए कई सारे बिंदुओं को बताकर गए हैं। आइए हम आज उन बिंदुओं पर बातचीत करते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को दबा दें ताकि इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी आप तक पहुंचती रहे। शुरू करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार कभी भी व्यक्ति को झूठ का साथ नहीं देना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति झूठ का साथ देते हैं वह व्यक्ति का जीवन हमेशा गरीबी में ही बीतता है, इसलिए झूठ का साथ कभी ना दें। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं कि व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। जो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं और अपने साफ सफाई का ज्यादा ध्यान नहीं रखते, ऐसे लोगों का जीवन हमेशा गरीबी में ही बीतता है। उनका जीवन कभी भी अमीरी की तरफ नहीं बढ़ पाता है, इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही पहनने चाहिए। कुछ लोग पेट भर जाने के बाद भी खाते ही रहते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार से उनका पेट तो भर जाता है लेकिन उनका मन कभी नहीं भरता, इसलिए ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा गरीबी छाई रहती है। व्यक्ति को हमेशा नियंत्रण में ही खाना चाहिए। नियंत्रण में खाने वाले व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का वास होता है। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाते जिन लोगों की आदत सूर्य उदय होने के बाद उठने की है, इसलिए आप अपने आदत में परिवर्तन कीजिए और सूर्य उदय होने से पहले जगने का प्रयास कीजिए ताकि आपके घर में भी धन की वर्षा हो और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहे। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सूर्य उदय होने से पहले जगते हैं और अपनी दिनचर्या प्रारंभ कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति ही अपने जीवन में परिश्रमी कहलाते हैं और वे अपने जीवन में सफल होते हैं। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं जो व्यक्ति अपने मुख की सफाई नियमित रूप से नहीं करते, जिस व्यक्ति के मुख में हमेशा गंदगी भरी रहती है, ऐसे व्यक्ति से मां लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उनके घर में गरीबी छाई रहती है, इसलिए आप अपने मुख की सफाई नियमित तौर पे करते रहें ताकि मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो और आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो। आचार्य चाणक्य हमें बताते हैं जो व्यक्ति महिलाओं की कदर नहीं करते, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, ऐसे व्यक्तियों के घर में भी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता और ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता छाई रहती है, इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार से महिलाओं की कद्र करें। आचार्य चाणक्य ऐसा इसलिए बताते हैं क्योंकि शास्त्र के अनुसार से महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। यदि आप अपने घर के स्त्री की इज्जत नहीं करते, इसका अर्थ यह होता है कि आप माता लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते। जो व्यक्ति अपने किचन की यानी रसोई घर की साफ सफाई नियमित तौर पर नहीं करते हैं, उनके घर में भी माता लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता है और ऐसे घर में दरिद्रता छाई रहती है। कुछ कुछ घरों में तो यहाँ तक देखा गया है कि जूठे बर्तनों को 2-3 दिन तक छोड़ दिया जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा कि इस प्रकार के घरों में अक्सर रोग, दरिद्रता और क्लेश लगा ही रहता है। ऐसे घरों में हमेशा पैसों की किल्लत भी लगी रहती है, इसलिए हमें अपने रसोई घर की साफ सफाई हमेशा ही रखनी चाहिए। जो लोग
दूसरे का पैसा यदि उधार में लाए हों और उसके पैसे को ना लौटाते हों, तो ऐसे व्यक्ति कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। ऐसे व्यक्ति के घर में दरिद्रता लगी रहती है। इसलिए आचार्य चाणक्य के अनुसार से दूसरे की चीज को फौरन लौटा दें। काम होते ही उसके चीज को लौटा देनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो या अन्य कोई वस्तु। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।